हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे 30 to 40 मिनट का एक अपना इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि सभी बच्चे जो है अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके और आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर में दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में आपको पता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है ड्रिल क्या है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि अपने कल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे आज का अपना द हिंदू, और इसके अलावा द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस जो है वो भी हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो कि कवर करते हैं। और 23 तारीख से 23 दोस्तों नवंबर से आपको और भी बहुत कुछ है जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन था, कितनी कंट्री ने आरसीईपी को साइन किया है। तो आरसीईपी के अंदर तो 10 तो एशियन देश है और 5 बाहर के हैं, तो टोटल मिला के कितने हुए, 15 कंट्री हुए। ओके गाइज, चलिए लोनार लेक कहां पर है। लोनार लेक कहां पर है, यह है आपके महाराष्ट्र में। जय तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रतीक क्या था। महावीर का प्रतीक क्या था, लायन दोस्तों। मित्र देशों को उनकी सहायता के रूप में भारत ने देश के लोगों के लिए 50 मेट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान करी है। तो ये सहायता जो प्रदान करी गई है ये जिबोती को करी गई है। रिसेंटली कौन सी नई स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडुबी को लॉन्च किया गया है मुंबई के अंदर, ये वागीर है। इसके अलावा आपको मालूम है कि अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लस कोर्स में रेफरल कोड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 या फिर BHU NESH बुनेस्टन यूज करके 10% ऑफ पा सकते हैं। चाहे आप UPSC की कर रहे हो, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो। SSC के लिए मेरा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जहाँ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब कंप्लीट करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस नहीं मिलेगी, वो सब भी आपको मिलेगी यहाँ पे। UPSC के अंदर मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है 2021 के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है, ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन SSC कैटेगरी के अंदर मिलेगा। और ये UPSC का 1.5 साल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मेरे अलावा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। SSC का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का आप ले सकते हैं 450 रुपए पर मंथ के अंदर। प्राइसेस जो है वो जल्दी बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, तो आप ले लीजिएगा 1 साल का। चलिए यहाँ पे कोट ऑफ द डे पंकज के द्वारा भेजा गया है वो देखते हैं, और साथ में एक जोक ऑफ द डे भी भेजा गया है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे पंकज के द्वारा बोली गई है कि गलती पर साथ तो बहुत लोग हैं जो कि आपको छोड़ते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको समझा के साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और अगर ऐसा कोई पर्सन है तो हमेशा जो है अपनी दोस्ती को आप भी अपनी तरफ से दोस्तों जो है निभाने की कोशिश किया करो, और साथ में आप ऐसे लोग बनो जो दूसरों को समझाकर उनका साथ निभाए। मानता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, मानता हूं कि थोड़ी प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, लेकिन कभी भी रिलेशन जो है वो हमेशा वन साइडेड नहीं होता है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, फिर सामने से बेस्ट आता है तो अच्छी बात है, वरना ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों को समझाने का, समझने का मौका जरूर दें, समझाइए और उनका साथ जरूर निभाइए। आगे पंकज एक बहुत ही जबरदस्त झूठ भी भेजा है। पिताजी बोलते हैं बेटे से, एक जमाना था जब मैं 10 रुपए लेकर बाजार जाता था और किराना, सब्जी, दूध सब ले आता था। बेटा बोलता है, पिताजी तब जमाना, अब जमाना बदल गया है, आजकल हर दुकान पर CCTV कैमरे लगे हैं, ठीक है। तो पिताजी का कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन बेटे ने जो है कुछ और तरीके से जो है इसको लिया है। हाँ तनु, अगर आप ब्लू रे ग्लासेस जो है नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, चाहे चश्मे लगा रहे या नहीं लगा रहे, आप उनको यूज कर सकते हैं, वो इसीलिए होते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आज के दैनदू की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने दोस्तों गवर्नमेंट को फटकार लगाई है फेक न्यूज को लेकर। इसके बारे में बात करेंगे, मुद्दा क्या है।
यहाँ पे गूपकर अलायंस को एक अनहोली ग्लोबल गठबंधन है जो कि अमित शाह के द्वारा बताया गया। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि बताइए कौन कौन इन रीजनल पार्टीज का साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कांग्रेस दे रही है कि नहीं दे रही है। फिर कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भाई हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं है और दिस एंड दैट। तो ये पूरा पॉलिटिकल इशू है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है गाइज, ये भी हमारे काम का नहीं है। एमपी के अंदर भी दोस्तों लॉ लाने के लेकर बातचीत की जा रही है, लव जिहाद को लेकर। यूपी, हरियाणा, एमपी, जहां जहां पे प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है वहां पर इसके लेकर डिस्कशन चल रहा है। ये काफी ब्यूटीफुल फोटो है, इसके बारे में बात करेंगे। और सीएम केजरीवाल जी दोस्तों सेंटर से परमिशन ले रहे हैं किसको लेकर, मार्केट को अभी जो है वो शट करने को लेकर, और जो गैदरिंग होती है ना शादियों में उसमें 200 से उसको 50 को वापस से 50 करने को लेकर, क्योंकि केसेस जो है दोस्तों वो यहाँ पे वापस से बढ़ रहे हैं, तो इस चीज को लेकर यहाँ पे दोस्तों बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि एक माइनर रेप सर्वाइवर थी, उसने अपने आप को आग लगा, उसको आग लगा दिया गया यूपी के अंदर जिन लोगों ने रेप किया था ना उनके लोगों के द्वारा। तो बहुत ही सैड न्यूज, मतलब अभी आपको मालूम है ऐसी 2-3 दिन से काफी सारे केसेस यूपी में देखने को मिले हैं। ओके गाइस, इसके अलावा यहाँ पे एक सीबीआई का केस है जो कि उन्होंने अरेस्ट किया है। तो ये आपका फ्रंट पेज है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाली न्यूज, और एक ये निषाद बाग ये वाला, दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि फेक न्यूज के खिलाफ आपका क्या मैकेनिज्म है, आप कैसे फेक न्यूज को रोकते हो और रोकने का क्या आपके पास में जरिया है। तो सेंटर ने बताया कि हमारे पास में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है स्पेसिफिकली। तो चीफ जस्टिस बोलते हैं कि या तो आप एक अथॉरिटी क्रिएट कर दो, या फिर हम ये जो जॉब आपसे तो नहीं हो रही है तो हम किसी आउटसाइड एजेंसी को ये जॉब है जो कि दे देते हैं। ओके, तो प्राइवेट बॉडी जैसे कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उनसे बात करने का क्या मतलब है, तो गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बनाने के लिए बोला है। एक्चुअली के अंदर ये केस क्या था वो मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया है। ऐसा ये केस एक्चुअली क्या था, तबलीगी जमात से संबंधित है। आपको मालूम है जो तबलीगी जमात वाला मैटर हुआ था तो जो न्यूज चैनल थे उन्होंने बहुत फेक प्रोपेगेंडा से जो कि चलाए थे, बहुत फेक न्यूज फैलाई थी टेररिस्ट से लेकर ऐसा कोई जो कम्युनियल राइट्स होते हैं यहाँ तक कि जो सब्जी वाले रेडी वाले वहां तक जो है वो चीजें पहुंच गई थी, समझ रहे हो। तो न्यूज चैनल ने उस टाइम पे बहुत फेक न्यूज है जो कि पब्लिश करी, बहुत प्रोपेगेंडा चलाया। तो ये केस है जो कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो दायर किया था, तो उसी की पेटिशन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि बताइए फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए आप क्या करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट जारी किया अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, उससे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं है और बिल्कुल भी उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोल दिया कि कई साल जो भी न्यूज चली है वो एकदम न्यूट्रल चली है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है ना, इन्होंने भी जो न्यूज पब्लिश करी वो बिल्कुल इन्होंने भी न्यूज पब्लिश करी है। इसके अलावा जर्नलिज्म के लिए दो बहुत ही अच्छे ऑनलाइन पोर्टल माने जाते हैं, द वायर और प्रिंट, आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छे जर्नलिज्म के ऑनलाइन पोर्टल है। ओके, इनके बारे में भी बोला है कि इन्होंने भी जो है वो फेयर न्यूज है जो कि दिखाई है। तो इन सबके बारे में डिस्कशन किया गया है गवर्नमेंट ने, लेकिन टीवी चैनल को लेकर कोई डिस्कशन है जो कि नहीं किया अपने एफिडेविट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है अपना जो सीजीआई है उन्होंने ये बोला कि टीवी चैनल की बात कर रहे हैं हम, तो टीवी चैनल को लेकर बताइए, बाकी सब जो है प्रिंट मीडिया जो है ऑनलाइन पोर्टल वो अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीवी चैनल को कैसे मॉनिटर करोगे और कैसे मैकेनिज्म के द्वारा फेक न्यूज के रोकोगे। एक्चुअली के अंदर हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है, केबल टीवी एक्ट चलता है, केबल टीवी एक्ट है एक दोस्तों जिसके द्वारा केबल को मॉनिटर किया जाता है, यानी कि जो मीडियम जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का उसको लेकर लॉ बना हुआ है, लेकिन टीवी चैनल के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको लेकर हमारे यहाँ पे दोस्तों अभी कोई अथॉरिटी है जो कि नहीं है। ओके, और अगर अथॉरिटी है तो फिर वो काम नहीं कर पा रही है, तो यही है जो कि यहाँ पे सीजीआई के द्वारा पूछा गया। उम्मीद करता हूँ कि मैटर आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, इन्होंने यहाँ पे बोला है वी आर डिसअपॉइंटेड विद योर एफिडेविट और जो मैंने बातें बताई है केबल टीवी एक्ट और उन सबको लेकर। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है जो कि आपको नजर आएगा। ये कौन सा है दोस्तों, ये आपके डल लेक के पास में ही निषाद बाग है। ओके,
निषाद बाग पेपर में कई बार पूछते हैं निषाद बाग को लेकर कहां पर है, तो ये है आपके श्रीनगर के अंदर डल लेक है ना, जस्ट उसके बाजू के अंदर ही है, समझ गए। और ये किसके टाइम पे बना था गाइज, ये नूर जहां के एल्डर ब्रदर हुआ करते थे जिनका नाम था आसिफ खान, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और एक्चुअली में जो शाहजहां वाला जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे एक्चुअली के अंदर इसका फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। ओके, तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि दो बहुत ही फेमस है, एक तो आपके शालीमार बाग हो गया और एक आपके निशात बाग हो गया, ये दो बहुत ही फेमस बाग है जो कि आपको श्रीनगर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस। इसको 1633 के अंदर है जो कि आसिफ खान जो है ना उनके द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, काफी फेमस है, मतलब ये काफी फेमस माना जाता है और देख सकते हो ना काफी ब्यूटीफुल है, मतलब अलग ही तरीके से कैनोपी है जो कि बनी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे तो खैर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया, दिवाली डे पॉल्यूशन के बारे में, टॉप 10 सिटीज के बारे में बताया गया, जो जो आपको लगता है वही सारी सिटीज है। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही फनी फोटो है जो कि आप आ जाइए यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काफी फनी फोटो है कि सारे जो लीडर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं हाई कमांड हाई कमांड, और जैसे हाई कमांड ने गेट खोला, मतलब यहाँ पे कैरिकेचर जो बनाया गया वो राहुल जी और सोनिया जी का बनाया गया, जैसे ही सब जो है वो पलटी खा गए सब लोग पलट गए, तो ये काफी फनी सा कैरिकेचर है जो कि बनाया है, मतलब आपको मालूम है ना अभी ऐसे ही चलता है मतलब कांग्रेस के अंदर। नोप जहां नहीं है नूर जहां है आरती शर्मा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 के। पेज नंबर 8 की बात करेंगे इस, तो यहाँ पे एक डाटा बताया गया है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अभी रिसेंटली अजीम जो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने एक फील्ड स्टडी है जो कि करी है जिसके अंदर पाया गया कि 60%, ओके ओके, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है उन्होंने किसी भी प्रकार की दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों, कारण है स्मार्टफोन। तो यहाँ पे एक जो है ना स्टडी जाहिर निकाली गई है, मिथ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, मिथ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन नाम से एक रिपोर्ट है जो कि जारी करी गई है जिसके अंदर 80,000 बच्चों के साथ में रिसर्च करी गई, 1500 गवर्नमेंट स्कूल, 26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 5 राज्यों के अंदर जो है ये रिसर्च करी गई है, और बताया गया है कि पिछले 6 महीने में जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब हम लोग गवर्नमेंट की स्कूल के लेवल के ऊपर बात करते हैं, जब हम लोग ग्रास रूट के ऊपर बात करते हैं, तो कॉम्पिटिशन के अंदर तो देखो ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन काफी सक्सेसफुल है क्योंकि आप सभी लोग बड़े हो, आप सभी लोगों के पास में खुद के पर्सनल मोबाइल फोन है, आपके पास में इंटरनेट का पैसा है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पास में किसी तरीके से कोई डिवाइसेस नहीं है, ओके, और ना ही कोई ऐप जो है वो अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, घर में एक मोबाइल होता है वो फादर ले जाते हैं तो उसके बाद में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। इसी को लेकर जो है अभी रिसेंटली एक और पेटिशन है जो कि दायर करी गई थी अपने द्वारा, स्माइल फॉर ऑल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि भाई जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के या फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर जो 25% बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो गरीबी गरीबी सीमा के जो पॉवर्टी के अंदर होते हैं, उन सभी को मोबाइल फोन है जो कि सरकार को अवेलेबल करवाना चाहिए क्योंकि वो बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे, तो डिजिटल डिवाइड है जो कि हो गया है। ऐसा है कि सेम केस जो है वो दिल्ली के अंदर भी हुआ था और ये सेम चीजें जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी हुआ है, सीजीआई जो चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के, उन्होंने जो है वो नोटिस यहाँ पे वापस से जारी कर दिया है। तो ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव केस है स्माइल फॉर ऑल का जो कि अपन ने राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ किया और दो दो टाइम जो है उनको नोटिस है जो कि गवर्नमेंट को जारी किया गया है। अभी 1-2 महीने के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ उसका फैसला है जो कि आ जाए। इसके अलावा 80% जो टीचर्स है ना वो भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ाने को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है उनको भी आदत नहीं है, ऊपर से फिजिकली जो है वो ज्यादा बेटर है जो कि फील करते हैं। तो ये एक दोस्तों रिसर्च है जो कि यहाँ पे बताई गई है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं स्माइल फॉर ऑल को। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना उसको भी, आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगी आपको। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको, चलो एक और बताता हूँ। मार्च के बाद से आप सभी लोगों को फिनलैंड के एजुकेशन के, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में स्कूल एजुकेशन जो कि फ्री है, वहां पे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की एजुकेशन वो कैंसिल
कैसी एजुकेशन है जो कि दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम काम करता है वहां पे, वो वाले वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। ओके, आई एम प्लानिंग टू मेक ए डॉक्यूमेंट्री ऑन फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम कि वहां पे बच्चा 6-7 साल का बच्चा स्कूल में जाता है और ना कोई होमवर्क होता है ना कोई बैग होता है, उसके बाद में भी वो लोग ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा जो है वो 15-20 साल के अंदर इतनी नॉलेज ले लेता है जो कि हमारे यहाँ पे 30-35 साल का बंदा भी नहीं ले पाता है। तो कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक पूरा डॉक्यूमेंट्री है जो कि बनाने का प्लान किया है मतलब। तो होपफुली मार्च के बाद में आपको ये वीडियोज है जो कि मिल जाएंगे मतलब। ठीक है, अगर फ्लाइट वाइट स्टार्ट हो गई है, होपफुली COVID-19 थोड़ा मार्च तक सही हो जाता है तो ओके, विल ट्राई टू पुट दैट एजुकेशन सिस्टम इन टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े कम है लेकिन फिर भी मतलब जो एक करिकुलम होता है वो तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं ना, जब दुनिया में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो उसको क्यों ना हम लोग इंडिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो करते हैं कोशिश। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे यहाँ पे जो पेपर हम बिल्कुल ये ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कल मोदी जी का भी जो है वो डिस्कशन हुआ है बाइडेन के साथ में, एक तो टेररिज्म को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, COVID-19 को लेकर। ओके, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसको लेकर, 12th ब्रिक्स समिट को लेकर। 12th ब्रिक्स समिट, आपको मालूम है ना कि पहले तो ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना हुआ करते थे, लेकिन 2010 के अंदर जो है साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है गाइस, और हाँ तो अभी यहाँ पे जो होस्ट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है जल्दी से बताइए। इस बार का जो ये ब्रिक्स समिट है ये किसके द्वारा होस्ट किया गया है, ये रशिया के द्वारा है जो कि होस्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा पेपर में ये सवाल पूछेंगे। यहाँ पे जो ये पूरा आर्टिकल आया ना इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि होस्ट किसने किया है, समझ रहे हो, कहाँ पे मीटिंग हुई है, किसने इसके अंदर शामिल हुए, थीम क्या है, ये सब चीजें जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मोदी जी ने अटेंड किया 12th ब्रिक्स समिट दोस्तों, और इसको होस्ट किया रशिया के द्वारा। हालांकि फिजिकली तो जो है ये ब्राजील में होने वाली थी लास्ट वाली। ओके, एक्चुअली के अंदर ब्रिक्स का ऐसे ही चलता है, जैसे कि 2020 का है ना रशिया कर रहा है होस्ट, 2021 का हम लोग होस्ट करेंगे, 2019 का ब्राजील ने किया था, इस तरीके से। इस बार जो थीम रखी गई है वो है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। आपको मालूम है दुनिया की 42% पॉपुलेशन जो है ओके वो ब्रिक्स कंट्री के अंदर ही है जो कि रहती है। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, और लीडर्स आपको मालूम ही है पांचों देशों के कौन कौन से, एक तो बोल्सोनारो है, पुतिन हो गए, मोदी हो गए, जिनपिंग हो गए और रामफोसा जी हो गए, रामफोसा जी, मोदी जी और जिनपिंग, ठीक है, बोल्सोनारो, ये सारे के सारे हो गए। ओके गाइस, पहली बार ये वर्ड जो है वो किसके द्वारा दोस्तों कॉइन किया गया था बताइए, गोल्डमैन सैक्स करके एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, अमेरिका की असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसी के पर्सन थे एक जिम ओनील, उनके द्वारा दोस्तों ये वर्ड कॉइन किया गया था जिसका नाम था ब्रिक। ओके, एक उस तो उन्होंने एक पब्लिकेशन लिखा था जिसका नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, तो ये पब्लिकेशन था, उसी के अंदर ये वर्ड है जो कि चार देशों के लिए यूज किया गया था। इसके अलावा अभी हमारी हेल्थ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी हुई वर्चुअली, जिसमें हमारे हर्षवर्धन जी ने जो है इसको अटेंड किया। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आरोग्य सेतु, ओके, इतिहास, इन सब ऐप के बारे में बात करी गई। इसी प्रकार से ब्रिक फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नर की, उसमें हमारी निर्मला सीतारमन जी ने दोस्तों इसको अटेंड किया। ठीक है, तो ये सब भी चलता रहता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एक तो श्रीलंका के अंदर जो है ना चाइना ने जो पोर्ट बनाया था, पोर्ट सिटी बनाई थी, वो यहाँ पे जल्दी ओपन अप होने वाली है, उसको लेकर यहाँ पे बताया गया है। हमारे लिए पेरू वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट है, पेरू के अंदर बहुत ही खतरनाक चीज चल रहा है। एक वीक के अंदर कभी आपने सुना है कि 3 प्रेसिडेंट है जो कि बदल गए हो, मतलब 3rd प्रेसिडेंट है जो कि पेरू को एक वीक के अंदर मिल गया है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी प्रेसिडेंट बन रहे जैसे कि कोई घर के अंदर खाना बन रहा हो। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो रिसेंटली जो बने हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पेरू के जो अभी नए लॉ मेकर है उनका नाम है सगेस्ती। ओके, सगेस्ती को यहाँ पे दोस्तों क्या बनाया गया है, इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम,
कुछ टाइम के लिए जो बनाते हैं ना प्रेसिडेंट, जब तक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं होते, वोटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे प्रेसिडेंट है जो कि बनाए गए हैं। अब आप बोलोगे सर ये दो को हटाने की क्या जरूरत थी, वो थी दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना उसकी वजह से। प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है, करप्शन की वजह से, ब्राइब की वजह से। करप्शन के बहुत सारे चार्जेस जो है पिछले वाले प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हुए थे और इसी को लेकर जनता बिल्कुल जो है यहाँ पे दोस्तों स्ट्रीट के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी, है ना, डेडली प्रोटेस्ट जो कि यहाँ पे हो रहे थे। उसी वजह से दोस्तों वापस से यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो कि चेंज किया गया है। पिछले 5 सालों के अंदर 5 प्रेसिडेंट है जो कि इस देश के अंदर अभी बदल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर लीडर थे मार्टिन विस्कारा, उनका एक यहाँ पे दोस्तों अभी इंपीचमेंट है जो कि हो गया था। ओके, उसके बाद में यहाँ पे मैरिनो करके बने, है ना, उसके बाद में और भी प्रोटेस्ट बढ़ गया क्योंकि उनके ऊपर भी काफी चार्जेस थे ऐसे। तो अब जाके दोस्तों यहाँ पे ऐसा हुआ है दोस्तों, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बातचीत है जो कि करी जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल है जो कि ये रह चुके हैं पहले, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चिली, इसके बॉर्डर में यहाँ पे एंडेस माउंटेन भी है, शुरुआत होती है। लीमा इसकी कैपिटल है और सॉल करके जो कि इसकी करेंसी है जो कि यहाँ पे चलती है। इनका 1 रुपया जो है वो हमारे कोई 20 रुपए, इनका 1 सॉल हमारे कोई 20 रुपए के आसपास है। ठीक है, कई बार पूछते हैं गैलापागोस जो है ये आइलैंड्स किसके पास में, तो इक्वाडोर पेरू के पास में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की। पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम बात करेंगे RBI को लेकर और साथ में लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर। तो गाइज एक और बैंक के ऊपर जो है वो संकट के बादल जो है वो आ चुके हैं, वो है अभी लक्ष्मी विलास बैंक। इसके ऊपर दोस्तों RBI ने जो है लिमिट लगा दी है, 25,000 रुपए से ज्यादा कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है क्योंकि अभी इस बैंक की ऐसी हालत नहीं है कि ये जनता को अपना पैसा लौटा सके। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पे एक ड्राफ्ट स्कीम लेके आई गई है ताकि इसको एमलगमेशन करने को लेकर। सिंगापुर का जो बैंक है ना DRS, एक बैंक है उसकी DBS, सॉरी ओके DBS सिंगापुर का ये बैंक है जिसके अंदर एक इंडिया यूनिट के अंदर जो है ना, जो इनका इंडिया के अंदर जो बैंक है उसके साथ में मिलाने को लेकर बातचीत है जो कि हो रही है। और इसके ऊपर 1 महीने का दोस्तों मोरेटोरियम है जो कि लगा दिया है और इसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो भी पूरा RBI ने अपना बोर्ड है जो कि यहाँ पे बिठा दिया है, समझ गए मेरी बात। और यहाँ पे दोस्तों कोई नई ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, किसी को ज्यादा लोन नहीं, पैसा नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पे डिपॉजिटर का जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों ये स्टेप है जो कि लिया गया है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए वो कैनरा बैंक के बनाए गए, उनका नाम है मनोहरन जी। मनोहरन जी को दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि बना दिया गया है। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। 1926 में इस बैंक की शुरुआत है दोस्तों जो कि हुई थी, और 7 बिजनेसमैन थे करूर के। उन्होंने क्या किया था लीडरशिप में, रामलिंगा जी की लीडरशिप के अंदर इस बैंक की शुरुआत करी थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि करूर के आसपास जो है लोगों को बिजनेस करने में आसानी हो सके। ठीक है गाइस, तो ये बैंक को 1926 के द्वारा 1926 में इंडियन कंपनी एक्ट 1913 के तहत रजिस्टर करवाया गया, और उसके बाद में आपको मालूम है बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, और उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ 58 के अंदर बैंकिंग लाइसेंस लिए गए, और उसके बाद में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो कि बन गया। ओके, और अभी दोस्तों 2019 के अंदर तो उसको मर्जर भी का भी अप्रूवल है जो कि मिल गया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में, जिसमें 90% स्टेक है दोस्तों जो कि इनके जा रहे थे। अभी यही 90% जो है ना बोला जा रहा है कि DBS बैंक, जो बैंक ऑफ सिंगापुर है ना, वो इसको ले लेगा, तो इनके पास थोड़ा पैसा है जो कि आ जाएगा, समझ गए मेरी बात। हेडक्वार्टर की बात करें चेन्नई के अंदर है। ओके, MD और CEO सुब्रमण्यम सुंदर थे, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, वही संभालेगा अभी। ओके गाइज, चलिए पेज नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोबाइल प्रीमियर लीग की। फैंटेसी स्पोर्ट दोस्तों बहुत ही खतरनाक चल रहा है, आपको मालूम है हमारे यहाँ पे ड्रीम 11 से लेकर टीम 11, माई टीम 11 है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी आ गई, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली है इसके तो MPL के तो ब्रांड एम्बेसडर,
और भी कई सारे नियर बाय 10 ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों जो कि आ गए हैं। और अब एमपीएल दोस्तों स्पोर्ट्स क्या करेगा, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है जो कि बन गया है, ओके, और मर्चेंडाइज पार्टनर है, मतलब जो कि ये बन गया है, यानी कि जो अब इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर, पहले क्या कौन था, पहले नाइकी था, लेकिन नाइकी ने अभी इसको आगे बढ़ाने से मना कर दिया। तो पहले तो बीसीसीआई ने सोचा कि चलो ठीक है कोई दूसरी कंपनी ले लेता है, एडिडास प्यूमा हुआ, लेकिन बाकी कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो फिर इन्होंने नॉन जो मर्चेंडाइज वाली कंपनी है ना उनके लिए भी अलाउ कर दिया। तो एमपीएल ने दोस्तों इसको ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है जो कि इसका बन गया है। ठीक है गाइस, ओके, इससे पहले आपको मालूम है ड्रीम इलेवन जो है वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा था, ऑफिशियल पार्टनर था। एमपीएल की बात करें, मोबाइल प्रीमियर लीग की, 2018 के अंदर ही कंपनी बनी है, 2 साल के अंदर ही गोली की स्पीड से दोस्तों ये कंपनी आगे बढ़ गई, मतलब बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और गैलाटेक्स फैनफेयर टेक्नोलॉजी करके है वो इसकी पेरेंट कंपनी है, ओके, श्रीनिवास और शुभम जो है इसके फाउंडर्स हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 16 दोस्तों, यहाँ पे जो बात करी गई है वो वुमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप को लेकर बात करी गई है। तो वुमेन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में होने वाला था, याद है क्या सबको, फीफा वुमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था, कैंसिल हो गया, 2021 में होने वाला है दोस्तों, ओके, लेकिन ये भी कैंसिल हो गया, अब 2022 में इसको करवाया जाएगा। और कहां पे होएगा, होने में तो इंडिया में ही होएगा, लेकिन अब ये 2022 के अंदर होएगा, ओके। इसी के अलावा अगर 2022 में अंडर फीफा का जो वुमेन का ही अंडर 20 की अगर मैं बात करूं, अंडर 20 कहां पे करवाया जाएगा, अंडर 20, अंडर 17 तो इंडिया में होगा, अंडर 20 कहां पे होगा, ये होगा आपके कोस्टा रिका के अंदर, ओके गाइस, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की बात करें तो देखिए, पहला तो वही है गुपकर अलायंस को लेकर है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे कमलनाथ के जो नेफ्यू है उनके घोटाले को लेकर है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और तबलीगी जमात और जो टीवी चैनल है ना इसको लेकर है, फेक न्यूज वाला जो मैंने आपको बताया, पीएम और बाइडन ने आपस में बात करी ये बताया गया, यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक जो है 30 दिन के मॉरेटोरियम के ऊपर है वो यहाँ पे बताया गया है, ओके। 2 जेश के आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, यहाँ पे वही है स्कॉलरशिप स्कैम जो है उसको लेकर बात करी गई है, और यहाँ पे वही लव जिहाद जो है एमपी लॉ लेके आने वाला है उसके लेकर बात करी गई है, 5 साल की सजा होगी इसके अंदर, और ये फुटबॉलर को लेकर बात करी गई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट पेज है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सोलोमन आइलैंड को लेकर, ओके, जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, एक बार इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, आवाज आ रही है परफेक्ट एकदम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सोलोमन आइलैंड को लेकर, सोलोमन आइलैंड आपको मालूम है गाइस ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया और आप साउथ अमेरिका मान सकते हैं एक तरीके से, ओके, सेंट्रल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पैसिफिक ओशियन के अंदर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये दोस्तों उन कंट्री में आने वाला है जहां पे फेसबुक को बैन किया करने वाले हैं बिकॉज क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट के चार्जेस को लेकर, ओके। कुछ देशों में आपको मालूम है आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ गए, कुछ देशों में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, चलिए ठीक है, हाँ अब देखिए सोलोमन आइलैंड दोस्तों प्लान कर रहा है कि फेसबुक को बैन कर दे इनडिटर्मिनेट पीरियड के लिए दोस्तों, इन्फ्लेमेटरी क्रिटिक को लेकर, और ये उन देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जिन्होंने फेसबुक को बैन किया हुआ है, किस किस ने,
चाइना ने बैन किया हुआ है, ईरान ने बैन किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने बैन किया हुआ है। ओके, तो इस चीज को लेकर यहाँ पे बैन करने को लेकर बातचीत है जो कि यहाँ पे हो रही है। और अभी आपको मालूम है कल परसों जो है इनफैक्ट ट्विटर फेसबुक है ना इन सबको तो यूएसए जो है ना उसके अंदर सीनेट के अंदर तक बुलाते हैं फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए, समझ गए। तो मतलब एक तो यूएसए है जो कि फेक न्यूज के लिए उनको बुलाता है और यहाँ पे मतलब क्रिटिसिज्म करने के भी अलाउ नहीं है, मतलब कितना दोनों कंट्रीज के अंदर डिफरेंस है मतलब। चलिए ओके, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बातचीत है जो कि यहाँ पे बोली है। यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, मनाशे करके है जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। तो अभी यहाँ पे वैसे खैर वहां पे डिसीजन जो है वो पूरा नहीं लिया गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने डिसीजन ले लिया है, लेकिन हाँ ये डिसीजन जो है ये लोग लेने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया। चाइना के अंदर तो फेसबुक ने बहुत कोशिश कर ली कि जैसे जैसे करके वो आ जाए, यहाँ तक कि जो जुकरबर्ग है ना उन्होंने अपनी बेटी का नामकरण करने के लिए भी जिनपिंग को बोला था कि भाई आप नामकरण कर दो। बहुत कोशिश करी, मतलब बहुत पीछे पीछे भागे, चाइनीज सीख ली, मतलब इनफैक्ट उनकी जो बीवी है वो भी चाइनीज है, आपको मालूम होगा है ना, चैन जुकरबर्ग। तो बहुत कोशिश करी मतलब चाइना के अंदर घुसने की फेसबुक ने, लेकिन दुनिया के 1.4 बिलियन लोगों तक वो जा नहीं पाया। लेकिन चाइनीज बहुत ही सख्त आदमी निकला, मतलब तो बहुत ही सख्त निकला, मतलब तो वो पिघला नहीं मतलब फेसबुक के बिजनेस को लेकर, ठीक है। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ कि 900 छोटे छोटे से आइलैंड को मिलाकर ये देश है जो कि बना हुआ है। पेपुआ न्यू गिनी नहीं है क्या, उसके पास में ही है वनातु, पेपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया है ना, इनके यहाँ पे ये। और पॉपुलेशन कोई ज्यादा नहीं है, कुछ 7 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन होगी। ओके, इसके अलावा कैपिटल का क्या नाम है यहाँ पे, हॉनेरिया करके है जो कि इसकी कैपिटल है, ठीक है। ओके, और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। करेंसी, करेंसी तो वही डॉलर चलती है, यहाँ पे भी सोलोमन आइलैंड डॉलर करके करेंसी है जो कि चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत बायोटेक ने दोस्तों फेज 3 का ट्रायल है जो कि कोवैक्सीन का स्टार्ट कर दिया। तो ये एक और अच्छी न्यूज है मतलब हमारे लिए भी कि हमारी इंडियन कंपनी जो है भारत बायोटेक वो भी फेज 3 के अंदर पहुंच गई है और 26,000 वॉलंटियर के ऊपर जो है अभी वो ट्रायल्स कंडक्ट कर रही है आईसीएमआर के साथ में पार्टनरशिप करके। तो मुझे लगता है कि भारत बायोटेक भी मार्च अप्रैल तक तो वैक्सीन ले आएगा। ओके, तो फेज 3 की एफिशिएंसी को लेकर बातचीत करी जा रही है, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, DIPAM को लेकर इन्होंने एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM ने क्या किया, एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। ओके गाइस, किस लिए किया है, ताकि हम लोग अभी जो भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, जो भी एनिमी प्रॉपर्टीज है उसको बेच सके, क्लोज कर सके, उसको लेकर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का काम यही है कि कोई ऐसे पब्लिक के एसेट जो कि सरकार के जा चुके हैं, सरकार के बन चुके हैं, जैसे कि कोई चाइनीज आदमी है उसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे रह नहीं रहा है तो उसको तो बेचना ही पड़ेगा ना, तो उसको लेकर दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ में यहाँ पे एग्रीमेंट है जो कि किया गया है, ठीक है गाइस। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 के अंदर वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। दो बैंकों से मिलकर बनता है, एक तो है IDA और एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है। ओके, इसमें इंटरेस्ट है जो कि देना पड़ता है थोड़ा बहुत। IDA जो बहुत ही गरीब कंट्रीज को लोन देता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसको बोलते हैं, समझ गए। और इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन है जो कि मिलता है। IDA के 173 मेंबर कंट्रीज है और IBRD के 189 कंट्रीज है जो कि मेंबर है। ओके, इसको, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। डेविड मालपास अभी प्रेसिडेंट है, अंशुला कांत MD और CFO है, चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मन, ओके, जो कि 15 जून 2000 को बने। इसके अलावा इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ल्ड बैंक की, वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर दोस्तों और भी कई सारी एजेंसी है जो कि आती है ना, जैसे कि आपके IFC, मीगा हो गया, एक और सेटलमेंट वाली हो गई है, देखिए IBRD तो मैंने आपको बताई थी। ये जो IFC है ना, ये एक्चुअली में इन पांचों को मिलाकर आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जो कि बनता है। IBRD तो मैंने बताई दिया, IFC जो है ये प्राइवेट कंपनियों को दोस्तों लोन देने का काम है जो कि करती है, समझ गए मेरी बात। IDA के बारे में मैंने आपको बता दिया,
और ये जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये क्या करती है, कोई भी सेटलमेंट जो है ना उसको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम करती है, समझ गए। और ये है दोस्तों लास्ट वाली मीगा। मीगा दोस्तों का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये गारंटी देती है प्राइवेट कंपनियों को कि भाई आप फलाना देश में जाइए, ओके, यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे आपको जो है बढ़िया बिजनेस है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार पाकिस्तान की भी गारंटी ली थी इन्होंने, लेकिन कंपनियां वहां पे काफी कंपनियों का लॉस हो गया, तो उसके बाद से तो पाकिस्तान की तो इन्होंने गारंटी लेना भी मना कर दिया। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जिस देशों में काफी जो है गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है 5 सालों के अंदर, आपको मालूम है नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट थी जो कि 5 साल टिकी है, अदरवाइज हर 2-3 सालों के अंदर जो है वहां पे मिलिट्री वाले जो है सरकार बदल देते हैं। और जब बहुत बार जब इंटरनेट बंद होता है, बहुत बार जब दंगे फसाद होते हैं, तब ऐसी कंडीशन की वजह से क्या होता है इन्वेस्टमेंट वाले जो है वो डरते हैं फिर इन्वेस्ट करने से, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सीजीआई के द्वारा एक और स्टेटमेंट कल आया जो कि आया सुप्रीम कोर्ट के ही लेकर, उन्होंने एक बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्करेज कर रहा है आर्टिकल 32 को यूज करने को लेकर। आपको मालूम है आर्टिकल 32 को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया था। क्यों बोला गया, क्योंकि आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते आपके तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, मालूम है ना आपको ये बात, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तो आपको आर्टिकल 32 है जो कि यूज करना पड़ता है, समझ गए मेरी बात, ठीक है, आर्टिकल 32, वरना तो क्या हो, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर छीन लिए जाए तो बेचारा हाईकोर्ट में घूमता रहेगा, लोअर कोर्ट में हो तो वहां काम नहीं चलेगा, इसीलिए आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों हमको क्या मिली हुई है, जो है पावर है जो कि मिली हुई है, ठीक है गाइस। आप ये देख सकते हैं जस्टिस जो अपने अरविंद जी, उन्होंने बोला है कि अभी रिसेंटली दोस्तों केरला के जर्नलिस्ट है सिद्दीकी, ओके, उनके रिलीज को लेकर पेटिशन है जो कि आई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्करेज कर रहा है पेटिशन को आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। हालांकि ऐसा आपको मालूम है ना, मतलब आर्टिकल 32 की ही हमारे लिए बहुत बड़ी पावर है, है ना, हर्बस कॉर्पस मेंडामेस सॉशरी काफी सारी चीजें हैं जो, और कोवरेंटो जिसके तहत हम लोग प्रोहिबिशन, है ना, हम लोग फंडामेंटल राइट्स का रियल यूज है जो कि करते हैं। इसी तरीके से आप लोग हाईकोर्ट भी जा सकते हो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो ये आपको आर्टिकल 226 की यूज है जो कि करना पड़ेगा, ये देखिए, ओके। आगे बात करते हैं इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है दोस्तों वो 1.5% है जो कि अक्टूबर के अंदर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि महंगाई है दोस्तों जो कि 1.5% है जो कि अक्टूबर के अंदर और बढ़ गई है। होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों याद करने का, बहुत ही बच्चों वाला तरीका है, मतलब जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो जब मैं बोलता हूं कि एक तो होता है CPI, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर के पास में, कंज्यूमर कौन है, आप और मैं कंज्यूमर है, सभी लोग कंज्यूमर है अपन, तो कंज्यूमर के पास में दोस्तों किसी भी सामान की कितनी प्राइस लास्ट मंथ में पहुंची थी और इस मंथ में आई है, उससे हम लोग महंगाई के बारे में पता करते हैं कि कंज्यूमर को कितनी महंगी है जो कि कोई चीज पड़ रही है। मान लीजिए पाल लीजिए आपने लिया लास्ट महीने में 5 रुपए में और अभी 10 रुपए का हो गया, तो महंगाई बहुत बढ़ गई ना एक महीने के अंदर ही, पार्ले जी 10 रुपए का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कभी और पार्ले जी ने भी बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है ना, पिछले 20 सालों से तो मैं 5 रुपए का देख रहा हूँ पार्ले जी को, लेकिन ठीक है, और लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने साइज कम कर दिया पार्ले जी का, और एक वक्त पे तो क्या है वो डूबता भी नहीं था यार, अभी तो जल्दी डूब जाता है तो उन्होंने क्या किया कि पैसे बनाने के बजाय, ये देखिए प्रदीप जी ने बोला है ये सवाल कल रात केबीसी में 16 लाख रुपए के लिए पूछा गया सेक्शन 32 और आईपीएस ऑफिसर मोहिता 1 करोड़ जीत के कल रात के एपिसोड में। अच्छा, अरे आप ये वाला जो है सेक्शन रेगुलर करो, केबीसी में अगर आपका नंबर आ गया तो आप भी 1-2 करोड़ तो आराम से जीत के लेके जाओगे, समझ गए। बचपन में मैं बहुत अप्लाई किया करता था, मतलब मैं जो है 5th क्लास से न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ ना, मेरी आदत जो है मेरे घर वालों ने डाल दी थी 5th क्लास से, जब मैं 5th क्लास में था तब से मैं रेगुलर न्यूज पेपर है जो कि पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर और चाय, न्यूज़पेपर के साथ में चाय अपने बचपन के शौक रहे आज भी है, बचपन में भी थे, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, मतलब
बहुत ही मुश्किल होता है। कल को सुबह सुबह 4 न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं, ओके जिम जाके आना होता है, फिर 4 न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद में बिल्कुल भी वैसा टाइम नहीं मिलता मतलब। ओके तो मैं जब स्कूल के अंदर था, कॉलेज में था, तब उस टाइम पे मैं केबीसी के अंदर काफी अप्लाई किया करता था। मैंने कम से कम कितने करे होंगे यार, 50-100 मैसेज तो उस टाइम पे, लेकिन कभी नंबर लगा नहीं, उसके बाद फिर मैंने बंद ही कर दिया। चलिए तो आप लोग भी ट्राई करते रहा करो, अगर आप लोग भी करंट अफेयर रेगुलर देख रहे हो ना, तो यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग खुद ही ट्राई कर लिया करो, केबीसी में देख लिया करो, बैठ जाया करो वैसे ही घर वालों के साथ में, है ना। चलिए ठीक है, और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ तो यहाँ पे बहुत बात हो गई है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सीपीआई के बारे में कि भाई सीपीआई तो है आपके कंज्यूमर वाला, उसी प्रकार से डब्ल्यूपीआई भी होता है कि होलसेलर के पास में दोस्तों कोई सी चीज जो है वो कितने मिनट के अंदर पहुंची है, समझ गए समझ गए, कि होलसेलर के पास में, क्योंकि कोई भी सामान जो होता है वो आपके इंडस्ट्री में बनता है, उसके बाद में होलसेलर के पास में जाता है, उसके बाद में रिटेलर के पास में, फिर आपके कस्टमर के पास में जाता है। तो होलसेलर के पास में जो सामान पहुंच रहा है उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है महंगाई की 1.48%। हम लोग इन्फ्लेशन जो देखते हैं ना, मुद्रास्फीति, महंगाई दर जो हम नापते हैं, वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पे नापते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के पास में कितना महंगा हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता करना, समझ गए मेरी बात। चलिए इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि गुड्स और प्राइसेस जो है वो कितना महंगा हो रहा है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी सर्विसेज है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसके अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो WPI वाला और एक CPI वाला। ओके गाइस, हम लोग क्या रिटेलर के तौर पे भी हम लोग करते हैं, लेकिन रिटेलर वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या तो आप कंज्यूमर वाला देखो या फिर आप सीधे कस्टमर वाला देखो। ठीक है, ये दो चीजें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये देखिए, और इसका बेस ईयर जो है 11-12 है, जो कि माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। लोकल अपोज प्रपोजल टू एक्स 10,000 ट्रीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ देहरादून एयरपोर्ट। तो एक और दोस्तों मुद्दा है जो कि अभी यहाँ पे देहरादून के अंदर हो रहा है, और देहरादून के अंदर 10,000 ट्री को दोस्तों बचाने की कवायद है जो कि यहाँ पे चल रही है, क्योंकि देहरादून एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है जो कि किया जा रहा है, और उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो नैनीताल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसका अप्रूवल भी मिल गया था कि 250 एकड़ जो फॉरेस्ट लैंड है ना वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी जाए। इसी को लेकर दोस्तों कई सारे लोग हैं जो कि वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि, और इन ट्रीज को नहीं काटने की जो है वो गुहार कर रहे हैं। ओके, मुझे भी लगता है कि यार डेवलपमेंट जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है वो प्राइमरी होनी चाहिए। ओके मतलब आप एयरपोर्ट जो है वो किसी दूसरी जगह से या कोई दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं उसको एक्सपेंशन करने का, लेकिन पेड़ नहीं कटने चाहिए। पेड़ तो हम लोग लगाने की बात करते हैं, अगर कट जाएंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब पेड़ तो मतलब आप समझ रही है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है यार हमारे लिए ऑलरेडी। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। और जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है यहाँ पे देहरादून के अंदर, आपको मालूम है, और एयर गेटवे है जो कि गढ़वाल रीजन का माना जाता है, टूरिज्म उत्तराखंड का के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर हरिद्वार से, और ठीक है 30 मिनट है जो कि ऋषिकेश जाने में यहाँ से लगते हैं। ये इसके अलावा आप आज मेरे दोस्तों दो क्लासेस है, एक तो सुबह 10 बजे यूपीएससी के एनसीईआरटी है, और आज दिन में 1 बजे करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ एनटीपीसी के लिए, ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो मुझे, और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU10 या फिर BHU10 है जो कि आप यूज कर लेना, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये रेफरल कोड है जो कि आप यूज कर सकते हैं, मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, कोई से भी एग्जाम का गोल सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, फिर 12 महीने का 500 रुपये पर मंथ रेफरल कोड पूछेगा, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 या BHU10 लगा के अप्लाई कर दो। SSC का प्राइस बढ़ने वाला है तो ज्वाइन कर लेना। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोवैक्सीन के चरण तीसरे परीक्षणों को शुरू करने की घोषणा करी है। सेकेंड है DIPM के सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए डैश के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर करे गए हैं। भारत डैश में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट डैश में है,
निम्नलिखित में से किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा योजना शुरू करी है? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास के अंदर, यूपीएससी की एनसीईआरटी। अगर आपको जीएस पढ़नी है बिल्कुल जीरो से तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, आप अपने पीसीएस के एग्जाम है, आपका कोई एसएससी एग्जाम है, सभी में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है गाइस, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।